जालौन में स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी पर भड़के साधु और संत। सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरकर स्वामी प्रसाद का पुतला फूंक साधु संतों ने किया विरोध प्रदर्शन। अमर्यादित टिप्पणी पर बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। तलवार और त्रिशूल से स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रतीकात्मक पुतले का वध कर किया दहन। उरई के जिला परिषद चौराहे पर फूंका पुतला। नवभारत समाचार जालौन यूपी से मयंक राजपूत की रिपोर्ट। प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? देखिए ऐसा है, हम लोग तो साधु संत हैं, ये सनातन धर्म को मानते हैं। एक याद रखना, जहाँ सनातन धर्म में कोई आंच आएगी तो हम लोग उसको सहन नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा भारत में आज तक जिसने भी बचाया है सनातन धर्म को, संत और ब्राह्मण ने बचाया है। और अगर आज उसकी कोई अवहेलना करता है, पहले बात बताना, रामायण को जलाना, साधु संतों की निंदा करना, गालियां देना, ये कोई सही बात है क्या? इसलिए हमारा साधु समाज आज विरोध में उतर गया है। अगर कल को ये नहीं मानते तो बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। इसके लिए जिम्मेदार सरकार होगी और जो स्वामी प्रसाद मौर्य है वो होगा, इसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। क्योंकि बताइए, किसी के धर्म को अगर ठेस देता है तो कोई अच्छी बात है, अगर कल को हम किसी के धर्म को करें तो हमसे कोई कह सकता है? लेकिन हमारा तो संतों का एक ही होता है कि सब धर्म समान है। लेकिन तुम आज हमारे धर्म पर आंच उठा रहे हो, उंगली उठा रहे हो, ये कोई सही बात है? इसलिए हमारा साधु समाज जितना भी है वो सड़क पर उतरा हुआ है और कल भी उतरेगा, और यहाँ पे लखनऊ तक जाएगा, नहीं तक जाएगा, अगर कोई कल को गलत बात होती है।